हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से वो शुभ घड़ी आई है, फिर से मुहूर्त आया है जब हम लोग चार दोस्त मिलके फिर से लेह की ट्रिप करने जा रहे हैं, लद्दाख की ट्रिप करने जा रहे हैं। और मोटिव हम लोगों का जो प्लान है यहाँ से जाने का, पहले बेसिक मोटा मोटा प्लान ये है कि घर से जो सोच के चले हैं कि पहले गुरुद्वारा मत्था टेकेंगे जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान है कि हम लोग अगर वहाँ से डिस्टेंस कवर कर सकें तो जम्मू होते हुए हम लोग कटरा जाएंगे वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी मत्था टेकेंगे, उसके बाद माता का आशीर्वाद लेंगे और फिर हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी वाया श्रीनगर, कारगिल होते हुए, द्रास होते हुए हम लोग लेह के लिए निकलेंगे। तो मोटा मोटा प्लान ये है कि आज जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है 10-12 दिन आगे हो जाए। आज जो डेट है वो है 18 सितंबर और हम लोग आज के दिन निकले हैं इलाहाबाद से। जर्नी बहुत लंबी है, कितने किलोमीटर की है अभी इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन हाँ 200 किलोमीटर अभी हम लोग कवर कर चुके हैं। लखनऊ से जस्ट अभी हमारी स्टार्ट हुई जर्नी आगरा एक्सप्रेसवे पे। आगरा एक्सप्रेसवे से हम लोग पहुंचेंगे आज दिल्ली, और दिल्ली के बाद अगर टाइम रहा तो हो सकता है उसके आगे कवर करें इस चीज़ को, और अगर टाइम नहीं बचता है तो हम लोग दिल्ली स्टे करेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने दोस्तों को जिन लोगों के साथ हम ये ट्रिप कर रहे हैं। पता है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही बीच हाईवे पे अपनी गाड़ी रोकी और एक छोटा सा अपना हम लोगों ने स्पीकर लाया था LG का, बहुत ही प्यारा स्पीकर है, उसको हम लोगों ने अपने बोनट पे रखकर जो ब्रेक डांस किया है, जो एंजॉयमेंट किया है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा एंजॉयमेंट करेंगे हम लोग। और इतना मजा आया है कि अभी आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने कितना एंजॉय करके बीच आगरा एक्सप्रेस वे, बीच में नहीं, बीच में करते तो ट्रैफिक जाम हो जाता, साइड में गाड़ी पार्क करके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो डांस किया है कि अगर माइकल जैक्सन दिखते तो डायरेक्ट ऐसे बात। तो चलो यार, बने रहो, फिर देखते रहो वीडियो आगे क्या क्या इसमें आगे अपडेट होता है, सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे होती जाएगी बताते जाएंगे। ये गांव है भीम। भीम? अच्छा, यहाँ से दिल्ली कितना दूर है? दिल्ली बैठने का 150। 150 मतलब इस टंकी, इस पेट्रोल टंकी के पीछे बहुत दूर तक कुछ पेट्रोल टंकी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आगे है? आगे मिलेगा, कहीं पर मिलेगा, वहाँ पे टप्पर पर, टप्पर पर। कितने किलोमीटर? 70 ना, तो सबसे बढ़िया ये पेट्रोल भरा लो अगर खत्म हो गया। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मुझे इतना 2 साल भर हो गए। साल भर हो गए, अच्छा। तो लॉकडाउन में तो बंद हो गया होगा सब? दिक्कत हुई? आपका गांव यही आसपास है क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग अभी अमृतसर पहुँचे हैं, और अमृतसर हम लोग कल रात में पहुँच गए थे, काफ़ी लेट हो गया था तो उस चीज़ के लिए वीडियो हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। नॉन स्टॉप हम लोग इलाहाबाद से चले थे अमृतसर के लिए, और करीब करीब 1200 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने गाड़ी एक दिन में चलाई है। सुबह 5 बजे हम लोग निकले हैं और अमृतसर हम लोग करीब सुबह 6 बजे पहुँचे हैं। तो दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर आने पे हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ। पहला कि अगर आप अमृतसर आ रहे हैं और वीकेंड पड़ रहा है, सैटरडे या संडे, तो यहाँ पर रूम्स की काफ़ी दिक्कत हुई हम लोगों को, होटल वगैरह ऑलमोस्ट फुल थे। होटल काफ़ी सर्च करने के बाद हम लोगों को एक ठीक ठाक सा मिल गया ये रूम, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रूम, एसी रूम है और 1300 रुपये के करीब ये पड़ा है 4 लोगों के लिए। और दूसरा जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है आ करके, करीब करीब 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों ने 4 हाईवेज़ क्रॉस किए जो कि मेन इंडिया के हैं,
पहला ताज एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ से आगरा तक आता है, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा से स्टार्ट होकर दिल्ली तक आता है, उसके बाद हम लोगों ने ईस्टर्न पेरिफेरल लिया जो कि हम लोगों को करनाल हाईवे पर आके उतारता है, और उस हाईवे से अमृतसर तक का जो रास्ता था वो करीब करीब 350 से 400 किलोमीटर का था। उस 350 से 400 किलोमीटर के बीच में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो गजब का था। जो यहाँ के ड्राइविंग डायनामिक है, जिस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं, वो देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। तो आज का हम लोगों का जो शेड्यूल है वो है अमृतसर गोल्डन टेम्पल दर्शन करने का। हम लोग जा रहे हैं अभी स्वर्ण मंदिर, जो कि आज हम लोग 3 बज रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग सुबह जब 6 बजे आए हैं तो तब से रेस्ट कर रहे हैं। 6 बजे की सोच हुए, हम लोग करीब 2 बजे फ्री हुए हैं सो करके, और अब हम लोग निकल रहे हैं स्वर्ण मंदिर के लिए और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ये होटल है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, ये मंदिर से 1 किलोमीटर की रेंज में है, और यहाँ से फ्लाईओवर जा रहा है। इस ओर जाने पे, लेफ्ट हैंड साइड से जाने पे आपको मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। गाइस ये है गेट गोल्डन टेंपल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और आज संडे है और यहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो यहाँ मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो भी बस यहीं पर फिनिश करते हैं, और कल हम लोग जाएंगे बाघा बॉर्डर के लिए और वहां से फिर हम लोग वैष्णो देवी के लिए निकल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।